सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा दिल रंधावा ते अज एक होर नवे ब्लॉग दे नाल तुहाडे हाजिर होया हां। क्योंकि शाम दे वज चुके आ 7 ते तुसीं चारों पासे देख सकदे व्यू नेरा पैणे वाला आ ते थोड़ा बहुता व्यू भी तुहानूं साफ नहीं आऊगा, ठीक है जी। ते लाइटां चल पईआं गड्डियां दीआं वी आ ते रोडां दीआं वी आ। तुसीं गुरद्वारा साहब देख सकदे हो, गुरद्वारा साहब दीआं लाइटां जग चुकीआं ने। ते इह हैगा गुरद्वारा साहब नाढा साहब, ते तुसीं देख सकदे हो 10वीं पातशाही गुरु गोबिंद सिंह साहब जी इत्थे आए सीगे। ते जदों पंघाणी दा युद्ध खत्म होया सीगा उस तों बाद पौंटा साहब तों चलदे हुए इस थां दे उत्ते रुके सीगे पूरी अपनी सेना नाल। ते उस तों बाद की होया, इत्थे जिहड़े नाडू शाह सीगे लवाणे, लवाणा जात दा एक नाडू शाह सीगा, उसने गुरु साहब दी संगत दा ते पूरे सैनिकां दा सेवा पानी कीता। ते जदों गुरु साहब इत्थों जान लगे तां गुरु साहब जी ने वचन कीते कि तेरी इत्थे जिहड़ी तूं साडी सेवा कीती आ ये व्यर्थ नहीं जाऊगी, ते तैनूं इस जगह तेरे नाम तों जानी जाएगी और दूर दूर तों लोग इत्थे दर्शन करन आणगे नाडा साहब दे नाम तों। ते अज इत्थे दुनिया आ के नतमस्तक होंदी है, ते गुरु साहब दे वचन कीते हुए अज भी अनमुले मन्ने जांदे आ। ते उन अनमुले वचना नूं इत्थे तुसीं देख सकदे हो कि दूर दूर तों दुनिया इत्थे आ के अपने घर दे सुख शांति वास्ते आ के अरदासां करवाउंदी है। ते असीं भी साडी भी कोई सुखन सीगी ते साडी पूरी होई, ते आपां एमरजेंसी जाना सीगा पर की है कि नेरा पैण दे बावजूद भी आपां रुके इत्थे, क्योंकि मेरा एक इत्थे पहला आया सीगा मैं कुछ टाइम पहला, ते इत्थे मैं सुखन सुके गया सीगा कि मेरी पूरी होगी तो मैं इत्थे मत्था टेक के जाऊँगा। तो इस करके आपां रुके हाँ, तो मैं कोई गल नहीं, नेरा पै जूगा तो आपां आराम आराम नाल चल जाएंगे। तो हुण आपां चलदे हाँ गुरद्वारा साहब के अंदर, ठीक है जी। चलो भाई, इधर वाली साइड पार्किंग हैगी है, तो इधर वाली साइड तुसीं अपना सरां देख सकदे हो गुरद्वारा साहब दी, ते इधर दुकानां लगियां, ते उधर है जोड़ा घर। हुण आपां चलदे हां जोड़ा घर वाली साइड, ते जोड़े करा के फिर आपां मत्था टेक के जल्दी जल्दी निकलिए क्योंकि नेरा पै जाणा आ। ते छोटी मोटी जानकारी दे सकदे हां क्योंकि हुण अपने कोल टाइम घट है क्योंकि नेरा पै जाणा आ। ते इधर वाली साइड लंगर हाल आ, ठीक है जी। ते पार्किंग एरिया ये भी हैगा, थल्ले भी हैगा पार्किंग एरिया, ते उत्ते वाली साइड आपां बाइक ला के आ, ते बेसमेंट विच भी पार्किंग एरिया हैगा आ, ठीक है जी। तो लंगर हाल इधर है, नाल ही ATM भी हैगा इत्थे, ठीक है जी। तो उधर डिस्पेंसरी हैगी है, तुसीं दवाई दवुई लैनी होवे तुसीं दवाई भी लै सकदे हो आ के इत्थे। ये अपना जोड़े घर च जोड़े जमा कराने गया आ, ते ये हैगा जोड़ा घर, ठीक है जी। कुछ इहो जिहा समान नहीं है, वाइड एंगल च क्लैरिटी बिल्कुल नहीं आ रही कैमरे की। तो बाकी हूँ चलते अपना गुरद्वारा साहब के अंदर, ठीक है जी। तो जिन्ना कर होया कैप्चर आप करा, जिदा कि मैं पहला भी कहा कि गुरु घर की बहुत ज़्यादा प्राइवेसियाँ होंगे ने, गुरु का लंगर, तो आप हाथ हुथ धो के फिर चलते हैं। उधर हाथ धोइए, लो जी हुण चले आपां मत्था टेकण। ये उपर दा व्यू गुरद्वारा साहब दा, ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈਏ, जो मर जाऊं
सेवक सिख हमारे तारी है, जन जन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दें मुझे उभरिया गुरद्वारा साहब। तुम देख सकते हो कितना सोहना व्यू आ रहा, चन्न देख रहा तुहानू, ते उहदे ते ही फ्लैग साहब दा तुम व्यू देख सकते हो कितना सोहना आ। ते उस तो बाद तुम चन्न देख सकते हो कितना सोहना लग रहा, ते निशान साहब झूल रहा अपना। ते गुरद्वारा साहब भी तुहानू फ्रंट तों दिखाउंदा मैं एक बार, ये देख सकते हो गुरद्वारा साहब। ठीक है जी, थोड़ा रात करके की है थोड़ी क्वालिटी पिक्सल फट रहे हैं। ठीक है जी, तो ये अपना बाई जीरा अज सारे सफर साढ़े नाल रहा है, तो अपना कैमरामैन। ठीक है जी, पहला साढ़ा लंगर छकन का मन बन रहा है, फिर असी कैंसल करता, तो असी जल छक के सबील, तो फिर आप चलते हैं अपने घर में। भाई जी जल की सेवा कर रहे हैं। लो जी, हूँ आप चलीए घर नू हूँ, जो कि नेरा पै चुका आ। तो ये तुम देख सकते हो बाजार लाया हुआ इन्होंने, तो इन्ना कुछ ही दिखा सकते हैं क्योंकि वक्त की साढ़े को भी बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि वक्त साथ नहीं दे रहा साढ़ा, क्योंकि नेरा पै चुका घर जाना है। तो दर्शन करने भी जरूरी सी, क्योंकि आप जे गुरु घर के नेड़े हो के चले गए फिर साढ़ा आने का इतने कोई फायदा नहीं है। तो बाकी लंगर छकन का भी साढ़ा कोई इरादा नहीं सीगा उस टाइम से, पर यह कि जे असी आई गए हैं गुरु घर तो लंगर छक के जाना जरूरी बनता है, तो फिर आप लंगर भी छक के हूँ आए हैं। तो उत्थे आपां वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कुछ यहोजी जगह होंगे ने कि हाँ भाई नहीं वीडियो बना पाते, अपना इस करके आप उत्थे वीडियो शूट नहीं किया। तो आप जल दे जल छकन तो बाद गया, फिर आप लंगर छक के आए हूँ। आप चले अपने जोड़ा घर, तो जोड़ा घर तो आप जोड़े लैके, तो फिर आप चलते हैं घर वाली साइड। तुम देख सकते हो चन्न भी आ चुका बाहर पूरा, तो नेरा पूरा पै चुका है। तो गुरद्वारा साहब तो तुम देख सकते दर्शन कर सकते हो आखिरी वक्त दे। तो ये देख सकते तुम दस्या सीगा निवास घर जरा गुरु गोबिंद सिंह निवास घर हैगा आ। ठीक है जी, तो हूँ आप आने वाले टाइम तो पौंडा साहब भी जावे, जे हम पार्किंग आप उत्ते वाली प्लेस उत्ते पार्किंग दे बाइक लाई सी, तो बाइक मेरे वीरो रेडी है हूँ। तो रब की मेहर नाल अपना जिहड़ा आ तीन चार थावां आप कवर कर लिया आ, तो गुरु के घर भी कवर कर ले आप। तो जाने की वार आप गुरु घर नमस्कार कर जाइए। तो जे आप रब चढ़ती कला च रखे तो आप फिर दर्शन कर आवेंगे तेरे को। साडा यही मैसेज है कि जिरा जिरा कोई चंडीगढ़ आता है या पंचकूला वाली साइड आता है ना, तो इतने दर्शन करके पक्का जाए। ठीक है जी, दूर दूर तो संगत आदि ने इतने, मैं देखा लंगर हाल के जिन्हें इतने वर्कर है या छोटे मोटे काम काज करने वाले भी इतने लंगर छक के जाते हैं। तो गुरु की इन्नी कृपा है कि 24 घंटे लंगर टूट वतरदा है। तो तुम भी इतने एक बार आके दर्शन करके जाओ, जे तुम इस रोड तो पंचकूला वाली साइड तो जाते हो तो थोड़ा बहुत रब लई वक्त कढ़ो। साडा भी दिल कर रहा है आप घर चल जाइए सीधा, पर की है कहते जो रब ने अपने घर बुलाना हो तो कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे दुनिया की कोई भी वड्डी ताकत हो रब अगे फिर सब असी भी फेल हाँ। ठीक है, तो इस करके अपना व्लॉग इत्थे खत्म तो नहीं करांगे, घर जाके खत्म करांगे।
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈ ਚਲਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵੀਰੋ ਲਾਈਟਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਸੁਜਾਦਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਵੱਜਣੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜਾਦਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਜਾਦਪੁਰ ਜਾਂ ਸੁਜਾਦਪੁਰ ਜਾਂ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਕੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇਣੇ ਕਹੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਅਤੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਕਾਕਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਡ ਪੂਰਾ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਜਾਦਪੁਰ ਦਾ ਚੌਂਕ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਜੇ ਆ 10 ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਹੁਣੀ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੱਲੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਲੋਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਵੀਰੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।